दर्शनाबेन जरदोश हमारे साथ हैं, रेलवे राज्य मंत्री। दर्शनाबेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, आपके हिसाब से इसका क्या खास कारण रहा है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 27 साल में शासन रहने के बावजूद बीजेपी पर विश्वास जताया है? भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा और ये गुजरात हमने बनाया है, ये दो तीन स्लोगन जो है वो सच में वो अनुभूति की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो उनका फील होना भी जरूरी होता है। और मैं सूरत से आती हूँ, सूरत में 7 में से 7 सीट, 12 में से 12, और जिले की साथ गिरे तो 16 में से 16 सीट जो डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने जीती थी, जो कायम था, वहां से ही आप पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई। जहां आप पार्टी के अध्यक्ष थे, जहां उनको लग रहा था कि कॉरपोरेशन के यहां उनको कुछ बहुत फायदा होने वाला है, और फिर यहां से वो धीरे धीरे चलकर आगे गुजरात में और जगह जाने लगी। जो वोट शेयर की बात करिए, कांग्रेस मुक्त भारत सबसे पहले सूरत में हुआ, कॉर्पोरेशन में एक भी कॉर्पोरेटर नहीं हुआ, और बाद में उसी कॉर्पोरेटर की जगह आप पार्टी ने ली। तो ये है कि लोगों को जो ऑप्शन चाहिए था वो शायद आप पार्टी दे रही है, या तो कांग्रेस का कुछ रोल है ही नहीं यहाँ पे, आपने देखा होगा सूरत में कुछ रोल नहीं है या पूरे गुजरात में, क्योंकि दर्शना जी हालात हुए थे सबको पता है। दर्शना जी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कहती रही चुनाव के पहले कैंपेन के दौरान कि आपका मुकाबला तो कांग्रेस से ही है और आम आदमी पार्टी के तो यहाँ पर खाते भी नहीं खुलेंगे, पर आपको जैसे सूरत की अगर आप बात करें तो आपका यहाँ पर किससे मुकाबला दिख रहा था? नहीं, खाता खुला ही नहीं, जो बोला है वो वही हुआ है, और आप देखिए जब तक रिजल्ट आएगा कहीं पे भी खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि जब प्रदेश का अध्यक्ष जब यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है तो वही जब हार चुका है तो आगे तो उनका क्या रोल रहेगा कहीं पे भी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसे की बात है, और जो वसुधैव कुटुंब की तरह ये G20 समिट का भी लोगो हमारा आया था, और एक परिवार की तरह प्रधानमंत्री हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, सब साथ में मिलकर अपना 100% देते हैं। हम बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं, हम पन्ने के प्रमुख के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, और जो डेवलपमेंट की बात हो, लोगों को अनुभूति की बात होती है, जो विश्वास कायम होता है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी बोलते थे कि उसका जिसका खात्मुहूर्त करेंगे उसका उद्घाटन भी हम करेंगे, तो ये चीज में भरोसे की बात आती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। जो 50% वोट शेयर जब भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, और उसका परिणाम अभी यहाँ पे ये चुनाव में आपको दिखने को मिला है। दर्शनाबेन, एक जो सवाल उठता है गुजरात की इस बड़ी जीत के बाद, क्या आप मानती हैं कि ये जो गुजरात की बड़ी जीत है इसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक तरह से बीजेपी का लॉन्चिंग पैड ये काम करेगा? यहां से बीजेपी अब आगे जाकर के अपने जो अन्य चुनाव होने वाले विधानसभा के हो या 24 का लोकसभा चुनाव हो उसके लिए एक ज्यादा बड़े मनोबल के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? नहीं, इसका इसका जो इसका परिणाम आया है तो इसके कारण जितने भी एमएलए हैं वो जमीन पर लग जाएंगे, लेकिन आज भी देखो हम लोग लोकसभा में भी गए थे तो सभी एमपी भी अपने आप का रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि मेरी 7 में से 7 आई, 1 गई 2 गई, ऐसी बातें होती है। तो हम लोगों का पिरामिड पूरा बना हुआ है, नगर पालिका, कॉरपोरेशन, इसके बाद में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। हर चुनाव को हम इतना ही सीरियसली लेते हैं, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं मंत्री बनी तो मैं कॉर्पोरेशन के चुनाव में मेरा रोल कोई नहीं रहेगा, और ऐसा ही रोल हम मेरे एमएलए के चुनाव में भी रहता है। जब पहले दिन से हम लोगों ने बोला था कि आप पार्टी का एक भी सीट यहां पे नहीं आएगी, तो वो हमने साबित करके दिखा दिया, और एक भी सीट भारी मार्जिन से, मतलब कम से कम जगह पे भी हमारा 10-12 की मार्जिन है, ऐसा नहीं 100-200 की मार्जिन से हम लोग जीते हैं। तो आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, जहां पे सबसे ज्यादा केजरीवाल जी ने राजनीति करी, जब सबसे ज्यादा भरोसा दिया लोगों को, लिख कर दिया कुछ भी, आज वो जो जो झूठ का पटारा है वो देख चुके हैं सब लोग, क्योंकि उनका जो मुफ्त का वायदा है वो ये गुजरात की गौरवशाली प्रजा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दर्शनाबेन, गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली पानी नहीं चाहिए, ये गुजरात सूरत में खास करके इतना इंडस्ट्रियल शहर है, पर रिसेशन, जीएसटी, तमाम चीजों का कोई असर यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या काम दरअसल किया है? क्योंकि इतनी रिकॉर्ड जीत और इतनी बड़ी जीत, बहुत कह रहे थे कांग्रेस भी, आप भी। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि विकास की राजनीति ही चलती है, सबसे स्मार्ट सिटी है सूरत, सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरी बार आया, तो ये सब मुद्दे जो शहरी विभाग के होते हैं। मैं टेक्सटाइल मंत्री हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे टेक्सटाइल के सेक्टर में जो जीएसटी मुद्दा था पिछली बार, अब इस बार डेवलपमेंट हो गया, मैनमेड फाइबर का हब हो गया,
या जो भी योजना हमारी निकली, लोगों का इसका फील हुआ, और इसके साथ में डायमंड इंडस्ट्री, उसका डेवलपमेंट, उसका कॉर्पोरेशन के साथ में, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम लोग यहाँ पे डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार मानते हैं, तो ये पूरा पिरामिड हमारा अच्छे से चलता है, हम लोग जमीन पर है और हम लोग जो हमारी खामियां होती है हम सुधारते चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग मानते ही नहीं और झूठ का वादा करते जाते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा। लेकिन दर्शना बहन, ये जो एक जो आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार में वादे किए थे, कई सारे मुफ्त बिजली की बात उन्होंने कही थी, अन्य जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि गुजरात की जनता ने इस रेवड़ी संस्कृति को, जैसा कि बीजेपी कहती है कि ये रेवड़ी संस्कृति है, इसको खारिज कर दिया? पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी ये बिजली का वादा किया था, तो ये चीजें तो लोगों को पता चल गई कि ये तो मिलने वाली है नहीं, और फिर घर का वादा किया था पिछली बार जब राजनीति हुई थी, लोगों को घर देने का वादा, तो प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा सूरत में बने, और सूरत में बनने के कारण जो लोग प्रधानमंत्री के आवास में रह रहे हैं वो अनुभूति की बात हो, फील की बात होती है, डेवलपमेंट फील किया जाता है, तो ये डेवलपमेंट विकास दिखता भी है, सबसे ज्यादा मीडिया के लोग भी सूरत आए होंगे, बड़े शहर में गए होंगे, तो सबका परिणाम सबको दिखता होगा कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से ड्रास्टिक चेंज हम करते हैं। कॉर्पोरेशन का कॉन्क्लेव जब होता है, स्मार्ट सिटी का सूरत में आयोजित होता है, तो आप देखिए कि ये मॉडल बना हुआ है, गुजरात मॉडल जिस तरह से बना हुआ है, अर्बन एरिया में भी हम लोग इतने मॉडल बनाते हैं कि जिसका इंप्लीमेंटेशन बाद में निकलकर पूरे देश में होता है, तो ये डेवलपमेंट ही जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और इसके साथ जी का आखिरी सवाल, डेवलपमेंट के मुद्दे भी अपने बात की, संस्कृति की बात होती है, राम मंदिर निर्माण की बात होती दर्शना है जी, तो ये योगी के प्रति का जो उनका वो तो रोड शो में तब दिखाई दिया कि राम मंदिर के प्रति जो लोगों की एक अपेक्षा थी, इसमें सबसे ज्यादा देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण में सबसे ज्यादा दर्शना जी, ये जो चुनाव है वो राम मंदिर के मुद्दे पर हुआ कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर हुआ? डेवलपमेंट की बात आपने किया है तो क्या वो मोरबी वगैरह जो है वो इशू नहीं रहा? नहीं रहा, क्योंकि वहां जो क्विक एक्शन हुए, जहां जिस तरह से प्रधानमंत्री चले गए, हमारे जो एमएलए का कैंडिडेट है वो जो जिस तरह से नदी में कूदकर सेल्फ सभी को मदद करते हैं, कोविड के टाइम में भी ऐसा रहा कि कोविड में सबसे ज्यादा ट्रेनें हैं, यहाँ 800 ट्रेनें सूरत से चली, और लगता था कि लोगों का यहाँ पे भरोसा उठ गया है, ये सूरत कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ डिजास्टर जब भी आए, पहले बाढ़ भी आती थी, धरतीकंप भी आया, तो ये सभी जगह जब तकलीफ आती है तो भारतीय पार्टी को करीब 12-13% वोट मिल रहे हैं, ठीक है कि उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन वोट जो मिला 12-13%, ये आने वाले समय में क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द खड़ा कर सकता है? लेकिन वोट शेयर हमारा तो नहीं काटा उन्होंने, हमारा तो वोट शेयर बड़ा है, हम तो 50% तक पहुंच गए 49 से, तो ये वोट शेयर काटा है तो कांग्रेस का काटा है, तो कांग्रेस का ऑप्शन ही लोगों ने ढूंढा है, तो ये दिल्ली में भी यही हुआ है और आगे वाले समय में भी यही रहता होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर आगे बढ़ते हुए लोगों ने शायद उनके विकल्प के रूप में स्वीकारा होगा, लेकिन कितने स्टेट में वो कर पाएंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ये यात्रा चल रही है राजस्थान से होकर, और राजस्थान के प्रभारी गुजरात प्रभारी थे, तो उनका रोल क्या रहा यहाँ पे? जो वादे कांग्रेस ने किए थे और आपने किए थे तो लोगों को तो ये पता चल गया, और ये मुफ्त की रेवड़ी यहाँ पे नहीं चली, ये लोगों ने साबित कर लिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शना बहन जरदोश हमारे साथ विस्तार से समझाने के लिए कि गुजरात के जो आज परिणाम आए इसका बीजेपी के लिए, देश के लिए क्या मायने है।